हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप उसे ठीक करने के लिए, ठीक रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जो रक्तचाप होता है इसका एक लिमिट होती है जो कि आपकी बॉडी पे होना चाहिए। यदि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और यदि ब्लड प्रेशर आपका कम होता है तो यह भी आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि यदि आपका ब्लड प्रेशर असंतुलित होता है तो इससे आपको कई सारी बीमारियां होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, जैसे कि दिल का दौरा पड़ना, आपकी हृदय की धड़कनों का बंद होना, आपको लकवा लगने जैसी समस्याएं हो सकती है। क्योंकि ब्लड प्रेशर जो होता है इसमें आपकी धमनियां जो होती हैं उन वो धमनियां रक्त संचार करती हैं, और कभी कभी ये धमनियां जो होती हैं वे मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनका लचीलापन खो जाता है और आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। तो आप ऐसे में क्या करें, आपको करना क्या है, गाजर का प्रयोग करना है। आप किसी भी तरह के रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए गाजर का रस 310 ग्राम और पालक का रस 125 ग्राम, इन दोनों को मिलाकर रोज आप यदि पीते हैं तो इससे जो आपका रक्तचाप है वह सही रहता है, आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।